अल्लाह ने खैर दी है, अल्लाह ने रिस्क दिया है, एक दो तीन बड़े डीप फ्रीजर ले लें, छापरों के अंदर कुर्बानी का गोश्त डाल के बहुत सारा है उसको रख दें, एक महीना डेढ़ महीना पड़ा रहे, महीना डेढ़ के बाद जरूरतमंदों को दें, क्यों? अभी गोश्त वाफिर होगा, उनके पास फ्रिजे नहीं होंगे, अभी गोश्त वाफिर होगा, उनके पास फ्रिजे नहीं होंगे। आप उनको महीना डेढ़ के बाद जब देंगे, उस वक्त जो दिल से दुआ निकलेगी वो शायद अभी ना निकल सके। अगर आपने मुझे बताया, कहने लगे जी आपने तरगीब दी, मैंने तीन डीप फ्रीजर खरीद लिए, बड़े फुल ताकतवर, कहने लगे मैंने ले लिए और फिर मैंने बांटने शुरू किए और कहा जो इसका मुझे नफा मिला, नफा मिला, कहा मुझे आपने क्या बता दिया और कहा मुझे आपने कहां से कहां पहुंचा दिया और तवंगर बना दिया, आखिरी तवंगर बना दिया। मुसीबतें टलीं, मुसीबतें टलीं, परेशानियां टलीं, नाकामियां दूर हुई, हादसात खत्म हुए, मैं इन चीजों में घिरा हुआ था और कहा ये चीजों ने मुझे छोड़ दिया, अब राहतें हैं, अब खैरें हैं, अब बरकतें हैं, अब खुशियां हैं, सुकून की नींद है, सुहाने ख्वाब हैं, खुशबू है, सिर्फ इस डीप फ्रीजर की वजह से। कहा कि डीप फ्रीजर खाली हो गया, मेरे हाथ देने वाला बन गया, गौर से सुनना, देने वाला बन गया, और मैंने लोगों के आंसू देखे, शुक्रिया देखा, आपका शुक्रिया, आपके मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, ये देखा और कहा महीना एक के बाद मुझे एहसास हुआ तुझे अल्लाह ने रिस्क दिया है, वो कुर्बानी फर्ज थी तेरे ऊपर, अब ऐसा कर और कोई बड़े जानवर ले ले, और जानवर लेके उनको जबह करके ऐसे डीप फ्रीजर भर दे और ऐसे सारा साल चलाए रख, अगर अल्लाह तौफीक दे तो मेरे इस पैकेज का ख्याल रखना।